जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से गाइडलाइंस थी उसके हिसाब से इस बार हमने 7th इंटरनेशनल योगा डे पे पूरा योगा वीक का जो है ऑर्गेनाइज किया हुआ है, जिसमें हमने डिजिटल फॉर्म्स पे बहुत सारे वेबिनार किए हैं, ऑर्गेनाइज किए हैं, और बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स को भी रखा हुआ है, जैसे ऐसे कॉम्पिटिशन, स्लोगन कॉम्पिटिशन, पोस्टर कॉम्पिटिशन। और ये हफ्ता हमारा जो 14 से 20 तक चला, तो आज के दिन हम ज़्यादातर सारे जो है ऑनलाइन ही योगा कर रहे हैं। तो किसी किसी जगह बहुत पूरे COVID-19 के SOPs को मद्देनज़र रखे हुए थोड़ी थोड़ी गैदरिंग में जो है ऑफलाइन भी हम करा रहे हैं। जो हमारा माय डायरेक्टर सर की गाइडलाइंस है और मिनिस्ट्री ऑफ आयुर्वेद की तरफ से हम ये 7th इंटरनेशनल योगा डे यहाँ आयुर्वेदिक हॉस्पिटल में मना रहे हैं। और जो योगा डे पे मैं यही कहना चाहूँगी कि सब जो योग है हमारे मन और शरीर की शुद्धि करता है और हमें स्वस्थ रखता है। हमारे जो डिफरेंट बीमारियाँ जो हैं सब उनको जो है योग से ठीक किया जा सकता है। मैं ये कहना चाहूँगी कि लोग जो है योग को अपनाएं और अपने जीवन को स्वस्थ और निरोग बनाएं। ये 7वां अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस आज पूरे देश में बड़े धूमधाम से मनाया जा रहा है। और योगा ये हमारी प्राचीन भारत की परंपरा रही है, संस्कृति रही है। इसको आज पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, भारत की इस परंपरा और संस्कृति को, कि इसके माध्यम से कोरोना जैसी महामारी से लड़ने में हमको जो मदद मिल रही है उसको पूरा विश्व स्वीकार कर रहा है, योगा को अपना रहा है। इसके लिए मैं एक बार फिर आयुष डिपार्टमेंट जम्मू की टीम डॉक्टर जितेंद्र सिंह के नेतृत्व में जो यहाँ हमारे बटालियन प्रांगण में आई हुई है, मैं उनको धन्यवाद करना चाहूँगा। यहाँ पर हम आज 7वें अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के उपलक्ष्य में आए हैं। हमने यहाँ पर आकर हमारे जो CRPF के जितने भी जवान हैं, ऑफिसर्स हैं, हमने इन सबको कॉमन योगा प्रोटोकॉल का एक अभ्यास करवाया और इन्होंने बहुत ही अच्छे से उस अभ्यास को किया है। और मैं आशा करती हूँ कि ये योगा इनको स्वास्थ्य प्रदान करेगा, इन्हें हर तरह के तनाव से मुक्त करेगा, क्योंकि ये लोग हेल्दी रहेंगे तो हमारा जो सिस्टम है वो अच्छे से चलेगा। हमारी खुद की सुरक्षा के लिए इन लोगों का स्वास्थ्य बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मैं योगा एक्सपर्ट श्री नीलम कुमार शर्मा आज CRPF 166 बटालियन में हमने यहाँ पर 7वें इंटरनेशनल योगा डे पर योग का जो प्रोटोकॉल है, कॉमन योगा प्रोटोकॉल का, उसका अभ्यास हमने CRPF के जवानों को और सभी जितने भी वहाँ पर मौजूद है सबको करवाया। तो इन्होंने सब ने पूरा सहयोग दिया, बड़े ध्यान से इन्होंने सब आसन प्राणायाम किया। उस सब के लिए मैं इनका आभारी हूं और इनका धन्यवाद देता हूं। 166 बटालियन हेडक्वार्टर, आज जो इंटरनेशनल योगा दिवस का शुभारंभ किया गया है, ये हमने प्रोटोकॉल और सोशल डिस्टेंस को मेंटेन रखते हुए अपने जो हमारे कार्मिक हैं उनको कराया है। और ये हमें बहुत अच्छा लगा, जो हमारे को हमारे शिक्षक महोदय आए, उन्होंने हमको योगा के बारे में बताया और उसी अनुसार हमने जो योगा किया है।